अरे पत्थर लगा, पत्थर लगा रे। तो हम ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। संडोर को जब आप क्रॉस करके NMDC जाने वाले होते हैं डोनी माले, वहाँ के लेफ्ट के क्रॉस में आता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको गाइड करते जाऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ से और कैसे जाना है, तो जुड़े रहिएगा। और सीनरीज ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कुछ पिक्चर्स लेने की भी ट्राई करूँगा, अगर ले लिया तो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अभी ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुई है, ऑलरेडी मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। ट्रैक्स को आने से पहले ना रेगुलरली आपको एक्सरसाइज, जॉगिंग एंड रनिंग करनी चाहिए। आप ऐसे आउट ऑफ नोवेयर आ जाओगे ना सन से हालत ख़राब हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारे पत्थर हैं कि नॉर्मल चप्पल या नॉर्मल शूज़, कोई भी ऐसे स्लिपरी आइटम पहन के आएंगे ना आपका बचने का चांस ही नहीं, स्पॉट में गिर जाओगे, स्विच ऑफ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पर पूरा कोहरा ही कोहरा और जंगल की गहराई में एकदम हरा ही हरा है। अभी हमने 5% का रास्ता भी कवर नहीं किया, ऑलरेडी सबकी हालत खराब हो चुकी है। तो हम कुछ देर रेस्ट करेंगे। 1 hour later. Stop number 2. Few inches later. अभी स्टॉप नंबर 3 आने वाला है। मेरे नए रनिंग शूज़ के ना एकदम बुरी तरीके से वाट लग गई है, खरीद के बस कुछ ही महीने हुआ था, हार्डली 2 किलोमीटर भी जॉगिंग नहीं किया। ये इसका पहला आउटिंग एक्सपीरियंस है, लगता है आज ही ख़राब होने वाले। स्टॉप नंबर 3। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। स्टॉप नंबर 4। अब डायरेक्ट 5th स्टॉप होगा ऊपर चढ़ने के बाद। शेर बच्चा है, हार नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिल टॉप पहुँच चुके हैं और मैं आसमान की ऊंचाइयों पर एकदम कोरा ही कोरा है। इधर एक स्पॉट है और इधर पीछे एक वाला है, अभी सारे लड़के उधर जा रहे हैं। ऐसे ना 2-3 स्पॉट्स हैं, अभी हम फर्स्ट हिल टॉप पे हैं और 2-3 बाकी हैं, तो सारे लड़के उधर जा चुके हैं, मैं किधर हूँ, अब मैं भी चलता हूँ। चलो, अगर गलती से भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो खेल ख़त्म, दुकान बंद, ख़त्म, टाटा, स्विच ऑफ, कोई चांस ही नहीं। खुदा ना करे ऐसा हो, पर जो भी देख रहे हो, जो भी ऐसे ट्रैकिंग्स पर आते हो, जो भी हिल टॉप्स पर आते हो, बहुत सावधानी से रहो, बहुत सावधानी से जो भी स्टेप लेना है लो। बस एक फ़ोटो या वीडियो लेने के लिए एक एक्सट्रीम स्पॉट जहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है तो जाओ मत, ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर ज़िंदगी अच्छी रही तो ऐसे हज़ारों ट्रैक्स देख सकते हो, उस तो रिक्स मत लो। हाँ, वो फेमस डायलॉग है कि इश्क है तो रिस्क है एंड ऑल, बट इन द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल फिल्म्स एंड यू गाइज आर इन रियलिटी। बहुत हो गया भाषण, चलो। VMD अस्ता बनता है सबसे मरता हूँ। थैंक्स मैम, वेलकम। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जब आप ट्रैवलर से मिलते हो और वो आपका मतलब यूट्यूब चैनल पूछते हैं या हाल चाल पूछते हैं या आपको परमिशन देते हैं कि आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो मेरे साथ हैं इरफान भैया जो मेरे साथ अभी इस ट्रैक पे आए हैं, तो उनको पूछते हैं कि यहाँ तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत मज़ा आया चढ़ने में और हमें देर से निकले उधर से। हाँ, और बहुत लंबा सफ़र है, ज़्यादा लोग आए तो बहुत मज़ा आता है। डेफिनेटली जब ज़्यादा लोग आते हैं तो एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है एंड हाँ इतना लगता भी नहीं कि थकावट वगैरह, थकावट नहीं दिखता है।
एक दो लोग आए तो फिर दोबारा वापस जाने का मन आता है, ज्यादा लोग आने से बहुत मजा आता है। पर हम इस बार कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं आए थे, ये वो थोड़ा पानी वगैरह कम है, हमें कोई प्लान था भी नहीं कि इतनी दूर हो सकता है। हाँ। अगली बार इंशाल्लाह प्लान के साथ, इंशाल्लाह प्लान के साथ आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे तो कोई ब्रेकफास्ट की अवेलेबिलिटी है नहीं और आसपास कोई ऐसा स्टॉल्स एंड होटल है नहीं, तो हम जब हॉस्पिटल से निकल रहे थे तभी हमने 10 प्लेट्स इडली पार्सल ले लिया था, तो अभी सब लोग वही ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं, इडली सांभर चटनी, डेडली कॉम्बिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ब्रेकफास्ट हो गया, पर पानी नहीं था इसलिए मैंने सांभर पी लिया। क्या करें भाई, मजबूरी है, अब इतनी ऊपर आके तो आपको कहीं बिस्लरी पानी मिलेगा नहीं। बिस्लरी छोड़ो, जो पानी ना स्टोन्स या रॉक्स पे पड़ा हुआ था अपने खिजर भाई ने वो पी लिया। तो जब भी कहीं ट्रैक पे आओ या ऐसा कोई एडवेंचर स्पॉट पे आओ तो मेक श्योर कि यू गाइस गेट 2 or 4 liters ऑफ वाटर बॉटल विथ यू। ऊपर ये कॉफी जो है ना, कॉफी नहीं है, ताज है, ताज वाह ताज वाह ताज है। तो जिस इक्विपमेंट में कॉफ़ी बनाई गई थी वो ये था, ये अमेज़ोन से ख़रीदा गया है, खिसर भाई का है। ये एक छोटा सा गैस स्टोव है और उसके साथ एक गैस वाला सिलेंडर भी आता है कॉम्बो। खिसर भाई ने बोला था कि ये पूरा सेट समवेयर अराउंड 600 या 700 का है, हैंडी सा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप कहीं भी जाओ तो चाय बना सकते हो या कुछ नॉर्मल राइस या मैगी बनाना हो तो ऐसे ट्रैकिंग प्लेस पर बहुत काम आएगा। किसी को भी अगर लेना हो तो मैं इसका इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप बाइक करना चाहते हैं तो बाइक कर सकते हैं। किसी भी जगह चढ़ना जितना मुश्किल होता है ना, उतरना ही उतना आसान होता है। अब देखो हम कितनी जल्दी से नीचे उतरते हैं, बस 1 से 10 की गिनती और हम नीचे। या अल्लाह। तो भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही सलामत घर पहुँच गया। इतने दिन बाद ट्रैकिंग पे गया था ना, तो बॉडी में जितने भी बोन्स थे उन्होंने कहा कि आफ्ताब रेस्ट कर ले वरना रेस्ट इन पीस हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा पुराना स्पोर्ट्स कार वाला कार रीडर ना चल नहीं रहा, तो नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड। पैसे खर्च होने वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उन सब के बहनों, वेलकम टू लेसोनिकल अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ट्रांसिट का USB 3.1 जनरेशन 1 RD48 RDFET का मेमोरी कार्ड रीडर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गर्मी। तो ये है ट्रांसेंड का मेमोरी कार्ड रीडर, मेरा जो पुराना वाला स्पोर्ट्स कार का कार्ड रीडर था, ये जो 40 rupees का था, इसमें ना डाटा करप्ट हो गया था मेरा लास्ट टाइम के वीडियो का, 2000 या 1500 मैंने कुछ पे किया, उसके बाद भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें यू कॉन्ट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। थोड़े बहुत पैसे खर्च किए 1300, बट आई एम श्योर इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत रिव्यूज़ भी देखे हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग यूज़ भी करते हैं। स्पीड तो एकदम मौत की है भाई, 33 MB/s पर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर बाइंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड मॉडल इज, अगर इनकेस कभी फ्यूचर में आपका डाटा करप्ट होता है, ट्रांसेंड हैज इट्स ओन डाटा रिकवरी वेबसाइट जहाँ पर आप इसको कनेक्ट करके अपना डाटा रिकवर कर सकते हो। आज का अनबॉक्सिंग इतना कुछ खास नहीं रहा आई नो, बट अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम इज द डूइंग गुड अनबॉक्सिंग इज द। Thank you for watching Lessonical Unboxing. We'll see you in the next one.